पर लद्दाख में सियासी पारा आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता चला जा रहा है। आज तरक्याती काउंसिल लेह के अब तक के नतायज में जहां बीजेपी सबकत लेती नजर आ रही है, वहीं पर बीजेपी को आज उस वक्त झटका लगा जब सीईसी लेह अपना चुनाव खुद हार गए। तो ये बड़ी खबर है कि लद्दाख में जो पहाड़ी तरक्याती काउंसिल के इंतखाबात हुए थे उसके रिजल्ट आने शुरू हो गए हैं। शुरुआती दौर में बताया जा रहा है कि बीजेपी सबकत लेती हुई दिखाई दे रही। सीधे चलते हैं लद्दाख, जहां से हमारी नुमाइंदा रिगजिन अंगू हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। रिगजिन, क्या कुछ अपडेट है, कितने सीटों के नतीजे आ चुके हैं, कितने किस पार्टी की कितनी जीत हुई, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? जी, तो पहले मैंने जैसे कहा था अपडेट कि बीजेपी 9 सीटें जीते हैं, कांग्रेस 2 और इंडिपेंडेंट 2। और अभी जो बीजेपी का जो जीता हुआ सिलसिला चला आ रहा था, उसी बीच में कांग्रेस का बड़ी एक बहुत बड़ी उम्मीद, जहां दो कैंडिडेट एक को और ठीक से कॉन्स्टिट्यूएंसी से जीत के अभी निकले हैं। पॉजिटिव है काफी, इसकी तो बहुत उम्मीदें हैं क्योंकि अभी बहुत सी कॉन्स्टिट्यूएंसी है जहाँ उनको जीतने की काफी पूरी उम्मीद है। ऐसे में आम आदमी पार्टी के हवाले से क्या खबर है? आम आदमी पार्टी बड़ी मेहनत करती हुई दिखाई दे रही थी, लेकिन अभी तक के खाता खुलने की भी खबर नहीं है। जी, आम आदमी पार्टी की बात करें तो उम्मीद तो उन्होंने ये सबकी कॉन्स्टिट्यूएंसी से बड़ी एक उम्मीद थी उनको, जहां बहुत टक्कर का काउंटिंग अगर देखा जाए तो 20 वोटों से वो हार गए हैं आप पार्टी। और बाकी और उम्मीदें तो उनको एक दो और कॉन्स्टिट्यूएंसी से थे, पर फिलहाल के लिए कोई खाता अभी तक उनका खुल नहीं पाया है। कांग्रेस के हवाले से क्या खबर है? कांग्रेस के समय में कितनी सीटें आ रही हैं, कितनी आ सकती हैं, कितने पर लीड कर रही हैं उनके नुमाइंदे? जी, अभी तो फिलहाल कांग्रेस के 2 हैं, अभी काफी उम्मीदें लगा के रखे हैं, अभी बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूएंसी का भी काउंटिंग शुरू होना है, तो हाँ वो काफी पॉजिटिव है, काफी आगे से उनको काफी वोटों की बहुत बड़ी उम्मीदें हैं। तो देखना ये है कि आगे क्या कैसे जो ट्विस्ट हो सकता है बीच में, जो बीजेपी का जो अभी सिलसिला चलता आ रहा था उसमें कांग्रेस का भी आना अभी पूरा उम्मीद से है कांग्रेस पार्टी को। क्या आपके आसपास में लोग हैं, कोई कैंडिडेट हैं जिनसे आप बात कर सकें सूरत हाल के हवाले से, जो अपडेट दे पाए, जो पूरा इलेक्शन हुआ है प्रोसेस उसमें कोई उनका अपनी राय रखते हो, कोई कैंडिडेट ऐसे भी? जी, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं एक कैंडिडेट से बात करूँ जो उनके जीतने जी मैं कोशिश कर रही हूँ कि एक कैंडिडेट से आपकी हम बात कराते हैं कि उनको कैसा इस टाइम पे लग रहा है, क्योंकि अभी काफी मायूसी छाई हुई थी कांग्रेस पार्टी में और आप पार्टी में, और वही एक कैंडिडेट का जीतना उनके लिए बहुत एक उम्मीद का किरण जैसा है। तो आइए अब हम आपको बात कराएंगे कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट जो इगू कॉन्स्टिट्यूएंसी से जीते हैं। जी, आपके जो ये बहुत बड़ा एक जीत है, उसी बीच में आप कांग्रेस का जो जीत से आया है तो उसके काफी उम्मीदें थे लोगों को कि कांग्रेस अभी जीतेगी, बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूएंसी भी जीतेगी, तो आपका ये जीत आपको कैसा महसूस करा रहा है, कितना आपको और पॉजिटिव बनाता है इसको देख के? ये जीत जो है, जो हमारा जो मेरा कॉन्स्टिट्यूएंसी है, जो लोगों ने जिन्हें मुझे सपोर्ट किया है, तो इस बात को हम ना समझना चाहेंगे, आने वाले दिनों में जितना भी मुझे हो सके लोगों का इच्छा पूरा पूरी करना है। मुद्दा था आपकी पार्टी को बहुत बड़ा मुद्दा लेके चले थे, जो लोगों को कहा था कि एक जो पार्टी ने आपकी पार्टी ने बहुत बड़ी एक उम्मीद लगाई है लोगों में, लगाई है सिक्स शेड्यूल को लेकर, उससे आपकी पार्टी कितनी खड़ी उतरेगी आज? जब हमारा कांग्रेस पार्टी का जो मेजोरिटी आएंगे, जो कंसल हमारा जो हमारा हमारा पार्टी का बनेंगे, बनते समय क्या बोलते हैं हमारा रेजोल्यूशन बात करना है सिक्स शेड्यूल के ऊपर कंसल में, तो हमें इतना आवाज उठाना है, जब तक इन सिक्स नहीं मिलेंगे तब तक हमने आवाज उठाना है। कैसे रहा आपने सुना है कि शेड्यूल का जो यहाँ नहीं मिलता है, तो उन्होंने कहा है तब तक आवाज उनकी बुलंद रहेगी और इस चीज को वो बहुत कोशिश करेंगे कि सिक्स शेड्यूल जो है मेक क्रांत हो। जी चलिए रिगजिन, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए और ग्राउंड जीरो से सूरत हाल बताने के लिए रिगजिन आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ले लद्दाख से हमारी नुमाइंदा आपको ग्राउंड जीरो की जो सूरत हाल है और जो नतायज सामने आ रहे हैं और जो कांग्रेस